बिग बॉस 15 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां करण और तेजस्वी को फेक जोड़ी कहा गया था, उसी के दूसरे दिन विशाल तेजस्वी से कहते हैं कि हो सकता है तू गेम के लिए करण के साथ फेक लव एंगल बना रही हो। विशाल ने तेजू के सामने करण को खरबूजा भी कहा और इसी बात की देर रात करण तेजस्वी से शिकायत करते हैं कि अगर तेरा दोस्त विशाल मेरे खिलाफ तुझसे कुछ कहता है तो तुझे मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन स्टैंड लेना तो दूर, तूने उससे कुछ कहा ही नहीं। अगर विशाल की जगह किसी और ने ऐसा कहा होता तो तू कब से उससे झगड़ चुकी होती। पता नहीं तू ऐसा क्यों कर रही है, अगर तेरी गेम के लिए ये है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। तेरे लिए इस शो में अगर ये सब सही जा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। तेजस्वी कहती है कि मेरे लिए विशाल क्या सभी घर वाले एक जैसे हैं, सभी मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं लेकिन मैं सबको इग्नोर करती हूं। तू अगर इसे मेरी गेम समझता है तो तू गलत है। इसीलिए सुबह मैंने तुझे कहा था कि तू अपना देख ले, मैं अपना देखती हूं। मुझे पता है मैं गलत थी और यही बात मेरी तुझे बुरी लगी है। ऐसा है तो हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। काफी बहस के बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कह के तेजस्वी अपने बेड पे जाके सो जाती है, जहाँ दो ही मिनट के बाद तेजस्वी करण को अपने बेड से सनी कह के बुलाती है, जिसपे करण उठ के तेजस्वी के बेड पे चले जाते हैं, जहाँ तेजू याद दिलाती है कि हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि कभी भी झगड़ा हो रात को बात सुलझा के ही सोएंगे, तू ऐसे कैसे गुड नाइट कह के सो गया। फिर करण भी कहते हैं कि मुझे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन जैसे ही तूने मुझे सनी कह के आवाज लगाई मैं पिघल गया। अब तो बोल तुझे मनाने के लिए क्या करूँ, तू जो कहेगी मैं करूँगा, मुझे सिर्फ तेरे पापा के देखने की चिंता है। तेजस्वी भी गुस्से से कहती है कि अगर मैं नहीं बुलाती तो तू नहीं आने वाला था क्या। जिसपे करण भी कहते हैं मुझे तुझ पे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन मैं 5-10 मिनट में आ जाता। जिसपे तेजू कहती है कि मुझे तेरी ऐसी ही बातों से डर लगता है, हम बहुत अलग हैं लेकिन उस वजह से अगर हमारे बीच झगड़ा होता है तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं इसी वजह से हमारे बीच सब खत्म ना हो जाए। जिसपे करण कहते हैं कि मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, तू ऐसे ही प्यार से बुला के मुझे संभालती रहेगी, मुझे भी तुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी।